माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उनको बधाई दूंगा। एक बहुत ही बैलेंस्ड इस प्रकार का बजट उन्होंने पेश किया है और विशेष रूप से कोविड के बाद दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं का संतुलन जहां बिगड़ा है, वही भारत की अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का काम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है और आंकड़े ये दर्शाते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही है। विशेष रूप से किसान, गरीब, युवा और महिला, इनको समर्पित इस प्रकार का ये बजट है। किसानों के लिए कई योजनाएं घोषित की गई है। हमारे युवाओं के लिए विशेष रूप से 4 करोड़ से ज्यादा रोजगार निर्माण की जो योजनाएं है, जिसमें रोजगार निर्माण के लिए इंसेंटिव देने का काम सरकार कर रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र ने भी एक ऐसी योजना लाई है और अब केंद्र सरकार की योजना आने के कारण हमारे युवाओं को इसमें बहुत फायदा मिलेगा। महिला सेंट्रिक योजनाओं का ब्यौरा आपके सामने अभी मैं पूरा नहीं रख रहा हूं क्योंकि उसको काफी समय लगेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि महिलाओं को फोकस रखते हुए एक बहुत बड़ी व्यवस्था इसमें की गई है। विशेष रूप से हमारे मध्यम वर्गियों को, मिडिल क्लास को, जो इनकम टैक्स के प्रावधान है, उन प्रावधानों के कारण 17,500 रुपए सालाना बचत होगी, जो मैं ऐसा मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, इसमें 11 लाख करोड़ रुपए का निवेश केंद्र सरकार कर रही है, जो एक अप्रत्याशित निवेश है। इससे गांव-गांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं पहुंचेगी, रास्ते, हमारे ब्रिजेस, हमारे पोर्ट, हमारे एयरपोर्ट, हमारी रेलवे, हमारा जिसको कह सकते बाकी सारा इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों में बहुत बड़े पैमाने पर काम होगा। इस सरकार का मैं विशेष इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं, सामाजिक क्षेत्र में जो इस सरकार का निवेश है, सरकार ने पिछले 5 वर्षों में वो दुगुना किया है, हेल्थ के सेक्टर में भी दुगुना किया है और हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इस सरकार ने योजना लाई है। आज ये बजट जो पेश किया गया, इसके बाद विशेष रूप से हमारे महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के एमपीज ने एक नरेटिव सेट करने का प्रयास किया, बजट बिना पढ़े इस प्रकार से नारेबाजी करना उनको शोभा नहीं देता, केवल नरेटिव तैयार करना शोभा नहीं देता। अगर बजट पढ़ लेते तो महाराष्ट्र को क्या मिला ये पूछते नहीं। अभी तो मेरे पास बजट की फाइन प्रिंट आनी है, मैंने एट ए ग्लांस जो निकाला पिछले 20-25 मिनट में, वो भी मैं आपको अगर बताऊं तो महाराष्ट्र को विदर्भ मराठवाड़ा में सिंचाई के जो प्रकल्प चल रहे हैं उसमें 600 करोड़ रुपया मिला है, ग्रामीण रास्ता सुधार में 400 करोड़ रुपया मिला है, इकोनॉमिक क्लस्टर में 466 करोड़ रुपया मिला है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में 598 करोड़ रुपया मिला है, एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को 150 करोड़ मिला है, MUTP 3 मुंबई की महत्वाकांक्षी योजना 908 करोड़ रुपया मिला है, मुंबई में मेट्रो के लिए 1087 करोड़ रुपया मिला है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के लिए 499 करोड़ रुपया मिला है, MMR ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के लिए 150 करोड़ मिला है, नागपुर मेट्रो के लिए 683 करोड़ मिला है, नाग नदी सुधार के लिए 500 करोड़ रुपया मिला है, पुणे मेट्रो के लिए 814 करोड़ रुपया मिला है, पुणे में नदी सुधार मुळामुठा प्रकल्प के लिए 690 करोड़ रुपया मिला है। अभी तो केवल 2 डिपार्टमेंट का पैसा मैं यहाँ पर थोड़ा निकाल पाया हूँ, कल तक इसकी पूरी लिस्ट हम देंगे तो एक प्रकार से मोदी जी के एजेंडे पे महाराष्ट्र को प्राथमिकता है। ये जो नरेटिव फैलाने वाले, बिना पढ़कर बोलने वाले, पहले ही प्रतिक्रिया लिखकर बजट को जाने वाले जितने विरोधी पार्टी के नेता है, उनसे हाथ जोड़कर विनंती है, एक बार तो बजट पढ़िए, आपकी जिम्मेदारी। चिदम्बरम सर ने एक बात कही कि उनका जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर, जिसमें अपनशिप की भी बात हो रही है, वही पूरा पॉइंट बजट के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसको कहा ये जो उनके पॉइंट्स ले लिए गए उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है फिर चिदम्बरम साहब ने इस बजट का स्वागत करना चाहिए।
उन्होंने कहना चाहिए कि बहुत अच्छा बजट आया है, उन्होंने कहना चाहिए कि हमारे मन लायक बजट आया है, दोनों तरफ से ये लोग बोलते हैं। देखिए उनका तो जो मैनिफेस्टो था वो खटाखट वाला मैनिफेस्टो था, लेकिन अब जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं उन राज्यों में भी खटाखट नहीं चालू हुआ, कम से कम उन राज्यों में तो खटाखट चालू करके दिखाइए। देखिए मैंने कहा कि एमबीए के जितने नेता हैं इन्होंने सुबह ही अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर ली थी, ट्वीट भी तैयार करके रखे थे, केवल बजट समाप्त होने की राह देख रहे थे, तुरंत वो सारी प्रतिक्रिया आ गई है। ऐसी प्रतिक्रियाओं से हमारा एंटरटेनमेंट होता है। बोल रहे हैं कि ज्यादा बेनिफिट दिए गए बिहार और आंध्र प्रदेश सरकार बता रही है। देखिए मैंने पहले ही बता दिया, इन सब लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया पहले से तैयार करके रखी है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, भाई हिमाचल में तो कोई हमारी सरकार नहीं है, फिर हिमाचल को क्यों स्पेशल असिस्टेंस मिला? कई राज्य उस परिस्थिति में किसी को स्पेशल असिस्टेंस मिलता है। अब पिछले समय की थीम नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे, अब हमको ईस्ट और कोस्टल राज्य हमको एक थीम दिखाई पड़ती है। ऐसी कई बार बजट की थीम होती है, पर उसके साथ साथ जब महाराष्ट्र को इतनी चीजें मिल रही है तो किसी को और मिला तो अपने पेट में गड़बड़ी क्यों?